नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आज बात करेंगे क्राइम पड़ताल में बड़े बड़े जुर्म को अंजाम देने वाले अपराधी की, जिसके नाम से 11 ही नहीं कई अन्य मुल्कों की पुलिस भी चौकन्नी हो जाती थी। ये वो अपराधी है जिसे देखकर डॉन फिल्म का डायलॉग लिखा गया होगा, क्योंकि फिल्म में डॉन अमिताभ बच्चन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है, लेकिन रियल लाइफ में इस डॉन को एक समय में लगभग 9 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी और यह सोचती थी कि अपराधी उनके मुल्क में ना आए। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज, जिसे नेपाल सरकार ने जेल से रिहा करने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन उसे अपने देश में रखना नहीं चाहती है। रिहाई के तुरंत बाद बिकनी किलर को नेपाल से बाहर जाने का आदेश सरकार ने दिया है। वहीं नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चार्ल्स सोबराज की सेहत को ध्यान में रखते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। नेपाल जेल से रिहा होने के बाद कहां होगा इस सीरियल किलर का नया ठिकाना, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं इस सीरियल किलर की जिंदगी और कारनामों के बारे में। आपको बता दें कि चार्ल्स सोबराज के पिता भारतीय और माता वियतनाम की थी। चार्ल्स सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को हुआ था। उसके माता पिता की कभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके पिता ने उसके पैदा होने के बाद उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वियतनाम के एक सेनाधिकारी ने उसकी मां से शादी करके उसे अपना लिया था। चार्ल्स सोबराज ने अपने बचपन के दिनों में ही छोटे छोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे। चार्ल्स सोबराज के जुर्म की फाइल के हिसाब से उसने पहला गुनाह 19 साल की उम्र में किया। उसे 1963 में चोरी के लिए अपनी पहली जेल काटनी पड़ी। चार्ल्स सोबराज कैसे बना द बिकनी किलर? सोबराज 1975 के दशक में बिकनी किलर के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि टेरेसा नाम की लड़की समेत 2 लड़कियां गोवा में मृत पाई गई थी और उनके कत्ल का इल्जाम सोबराज पर लगा। मरने वाली लड़कियों के शरीर पर सिर्फ बिकनी थी, इस वजह से सोबराज को बिकनी किलर भी कहा जाने लगा था। सोबराज ने थाईलैंड में 14 और दक्षिण पूर्व एशिया में कम से कम 20 लोगों की हत्या की थी। चार्ल्स सोबराज का नाम कई बड़ी हत्याओं से जुड़ा हुआ है। सोबराज की शादी 20 साल की उम्र में हुई थी और 1975 के दशक में उसने एशिया आने का प्लान बनाया। दिलचस्प बात यह है कि सोबराज ये मानता था कि एशिया में अपराध करके बच निकलना आसान है, क्योंकि इन देशों में ले देकर काम हो जाता है। 1976 में फ्रेंच टूरिस्ट की हत्या के आरोप में उसे सजा मिली और उसे तिहाड़ जेल भेजा गया, मगर यहां भी उस बिकनी किलर ने अपना जलवा बरकरार रखा। बात है साल 1981 की, जब केंद्रीय कारागार तिहाड़ जेल केवल एक जेल हुआ करती थी, बल्कि अब तो कई अन्य जेलें उसमें शामिल हैं। उस समय एक आदमी सहायक जेलर के पद पर परीक्षा पास करने के बाद तिहाड़ जेल अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गया था। इस युवा अधिकारी का नाम था जेलर सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता जब जेल अधीक्षक के कमरे में बैठे थे तो उन्हें अधीक्षक ने बताया कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, जिसके बाद वो काफी देर तक कमरे में इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक हैंडसम युवक जेल अधीक्षक के कमरे में आया। उसके चलने और देखने के अंदाज से सुनील गुप्ता को लगा कि अधिकारी उनका अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आया है। इस युवक ने उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में थमा दिया और सुनील गुप्ता ने उस युवक से पूछा कि आप किस बैच के अधिकारी हैं और कब से इस जेल में हैं। जवाब में हैंडसम युवक मुस्कुराकर चल दिया। तब जाकर सुनील गुप्ता को पता चला कि जिस युवक ने उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया है वो कोई और नहीं बल्कि बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज है। ऐसा था चार्ल्स सोबराज का तिहाड़ जेल में जलवा। तिहाड़ जेल के पुराने अधिकारियों के मुताबिक जेल के अंदर सोबराज का अपना व्यवहार इतना सरल था कि वो किसी को भी अपना गुलाम बना लेता था। उसे जो चाहिए होता था जेल में उसे मिल जाता था। यहां तक कि जेल में यदि कोई लीगल पिटीशन कोर्ट में फाइल करना चाहता था या अधिकारियों के पास बहुत ज्यादा काम होता था तो बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज की मदद ली जाती थी। चार्ल्स सोबराज अपने स्किल से जेल प्रशासन का भी काम करता था। चार्ल्स सोबराज अपने व्यवहार से किसी को भी अपना गुलाम बना लेता था। उसमें सामने वाले को प्रभावित करने की एक अद्भुत कला थी और खासकर युवती और महिलाओं को वो ज्यादा प्रभावित करता था। यहां तक कि जेल में उससे मिलने वालों की संख्या में आदमी कम, लड़की और औरतें ज्यादा होती थी। अपने इसी प्रभाव का फायदा उठाकर सोबराज तिहाड़ जेल से फरार हो गया था। इसके बाद फिर भारत से सोबराज फ्रांस गया और फिर 2003 में उसे नेपाल में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। साल 2008 में सोबराज फिर एक बार चर्चा में आया।
क्योंकि बिग बॉस 5 की प्रतियोगी निहिता विश्वास ने चार्ल्स सोबरात से जेल में सगाई कर ली थी, जबकि निहिता की उम्र 20 साल थी और सोबराज की उम्र 64 साल। अब 21 साल की सजा के बाद नेपाल कोर्ट ने उसे छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसकी उम्र काफी हो चुकी है। साथ ही जेल में उसने अपनी ज्यादातर सजा अच्छे आचरण में काटी है। तिहाड़ जेल में सोबराज पर निगरानी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक सोबराज जेल प्रशासन के लिए सिरदर्द तो नहीं बनता था, लेकिन प्रशासन को इसलिए सावधान रहना पड़ता था कि ना जाने कब सोबराज क्या गुल खिला दे। फिलहाल जिस बिकनी किलर के नाम पर अनेक फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं और डॉन की तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, फिल्म को ये डायलॉग देने वाले सोबराज को नेपाल की जेल से रिहा कर दिया गया, मगर रिहाई के तुरंत बाद उसे ये हुक्म दिया गया है कि वो तुरंत नेपाल छोड़ दे। ऐसे में देखना होगा कि बिकनी किलर उस डॉन सोबराज का नया ठिकाना कौन सा मुल्क होगा और ये डॉन आने वाले समय में अब क्या गुल खिलाता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए N27 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।